दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले जयपुर के अंदर सिविल सेवा प्री एग्ज़ाम 3 जून को परीक्षा की तैयारी सचिवालय द्वारा पूरी कर ली गई है। ACS सुदर्शन सेठी ने ये तैयारी कर ली है। 100 से ज़्यादा राजस्थान में जो सेंटर बताए गए हैं उसके अंदर 45,000 स्टूडेंट और 2 पारियों के अंदर भाग लिया जाएगा। तो जो सिविल सेवा का प्री का एग्ज़ाम 3 जून में होने वाला है, देखते हैं इनकी और कुछ चर्चा करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन पर क्लिक करें और साथ में इस घंटी पर जरूर क्लिक करें, जो आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों जिस प्रकार IAS प्री का एग्जाम रविवार को होने वाला है, परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे और जयपुर में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं को रविवार को देश भर में आयोजित की जाएगी, जिसमें जोधपुर के अंदर 27 केंद्र हैं जिसमें 8,719 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक बचाने के लिए जैमर का प्रयोग इस्तेमाल किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर रवि कुमार सुरपुरा ने सोमवार को परीक्षा की तैयारी लेकर प्रबंधकों और अधिकारियों को बैठक बुलाई, जिसमें प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को सही आवश्यक तैयारी करने के निर्देश और प्रत्येक परीक्षा केंद्र में 3 पुरुष और 2 महिला कांस्टेबल तैनात की जाएगी। परीक्षा है और 2 पारियों के अंदर आयोजित होगी। पहले 9:30 से लेकर 11:30 तक और दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 2 पारियों के अंदर एग्जाम्स किया जाएगा। इस प्रकार से सिविल परीक्षा का और एडमिट कार्ड दोस्तों जारी हो चुके हैं। आप वेबसाइट के ऊपर UPSC एडमिट कार्ड, आपको नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिए नीचे, या फिर UPSC एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वेबसाइट लगा सकते हैं और इसका लिंक भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आपने फॉर्म भरा है तो आप इसे जरूर देखिए, लाइक करें, शेयर करें एक ऐसे वीडियो के साथ में। फिर से दोस्तों तब तक नमस्कार।